नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विषय की सिलेबस पर बात कर रहे हैं। इसी सिलेबस के अंतर्गत अभी हम कविताओं पर बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की इकाई 9 मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य पर हम बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत सुभद्रा कुमारी चौहान जी की 3 कविताओं पर आगे बातचीत होगी। अभी पहली कविता है वीरों का कैसा हो बसंत। तो सबसे पहले हम जीवन परिचय पर भी बात कर लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म जो हुआ था वो 16 अगस्त 1904 को हुआ था, जो कि ब्रिटिश इंडिया थी उस समय। इनका जो जन्म माना जाता है वो नागपंचमी के दिन माना जाता है, 16 अगस्त 1904, याद करके रखिएगा 16 अगस्त 1904। तो अभी हम बात करें कि आगे इनकी जीवन परिचय पर भी बात कर ली जाए और थोड़ी सी इनकी रचनाओं पर भी बात की जाएगी, फिर उसके बाद हम इस कविता पर आएंगे। और इनका निधन भी याद करिएगा, 1948, 15 फरवरी 1948, याद करने योग्य बातें हैं। और इनके जो इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, इलाहाबाद निहालपुर गांव के रामनाथ सिंह के जमींदार परिवार में इनका जन्म हुआ। बाल्यकाल से ही ये कविताएं रचने लगी थी। इनकी रचनाएं राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं वो 4 भाई बहनें थीं और 2 भाई थे। रामनाथ सिंह जो थे इनके पिताजी शिक्षा के प्रेमी थे और देखरेख में इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। महादेवी वर्मा उनकी जूनियर और सहेली थी। कहाँ पर? इलाहाबाद में, जहाँ ये पढ़ती थी, क्रास्ट वेट गर्ल्स स्कूल में। वहाँ पर महादेवी वर्मा इनकी जूनियर थीं और सहेली भी थीं। 1919 में इनका विवाह खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ और ये जबलपुर आ गईं। 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली यह प्रथम महिला थीं और 2 बार जेल भी गईं। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी इनकी पुत्री सुधा चौहान ने मिला तेज से तेज, ये याद रखने योग्य बात है, मिला तेज से तेज, मिला तेज से तेज सुधा चौहान की है, जो इनकी पुत्री हैं। सुधा चौहान, ये याद रखिएगा, मिला तेज से तेज इनकी जो जीवनी है। और हंस प्रकाशन इलाहाबाद ने इसको प्रकाशित किया है। वे एक रचनाकार होने के साथ साथ स्वाधीनता संग्राम सेनानी भी हुई थी। डॉक्टर मंगला अनुजा की पुस्तक सुभद्रा कुमारी चौहान उनके साहित्यिक व स्वाधीनता संघर्ष के जीवन पर प्रकाश डालती है, साथ ही स्वाधीनता आंदोलन में उनके कविता के जरिए नेतृत्व को भी रेखांकित करती है। 15 फरवरी 1948 को एक कार दुर्घटना में इनका निधन हो गया था, सिवनी के आसपास। सिवनी एक जिला है, सिवनी एक जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर इनका निधन हो गया था कार दुर्घटना में। इनका कथा साहित्य जो है बिखरे मोती है, पहला कहानी संग्रह है। इसमें भग्नावशेष, होली, पापी पेट, मछली रानी, परिवर्तन, दृष्टिकोण, कदम के फूल, किस्मत, मछुए की बेटी, एकादशी, आहुति, थाती, अमराई, अनुरोध व ग्रामीणा, कुल 15 कहानियां हैं। बिखरे मोती में, बिखरे मोती में जो कथा साहित्य है इनका, कथा संग्रह है, कहानी संग्रह है, 15 कहानियां हैं, ये याद रखने योग्य बात है। इन कहानियों की भाषा सरल और बोलचाल की भाषा है। अधिकांश कहानियाँ नारी विमर्श पर केंद्रित हैं,
विक्रम मोती, इसमें प्रश्न बन सकता है कि विक्रम मोती जो इनका कथा कहानी संग्रह है वो किस विषय पर केंद्रित है, तो नारी केंद्रित है और उन्मादिनी शीर्षक से इनका दूसरा कहानी संग्रह 1934 में छपा है। दूसरा संग्रह है उन्मादिनी। पहला संग्रह था विक्रम मोती, दूसरा संग्रह है उन्मादिनी। इसमें उन्मादिनी असमंजस अभियुक्त सोने की कंठी नारी हृदय पवित्र ईर्ष्या अंगूठी की खोज चढ़ा दिमाग व वेश्या की लड़की कुल 9 कहानियां हैं। 9 कहानियां हैं। क्या है? उन्मादिनी असमंजस अभियुक्त सोने की कंठी नारी हृदय पवित्र ईर्ष्या अंगूठी की खोज चढ़ा दिमाग व वेश्या की लड़की, इन सब कहानियों का मुख्य स्वर पारिवारिक सामाजिक परिदृश्य है। उन्मादिनी का जो विषय है पारिवारिक और सामाजिक परिदृश्य है और विक्रम मोती का था नारी विमर्श। तीसरा जो है संग्रह सीधे साधे चित्र, पहला था विक्रम मोती, दूसरा है उन्मादिनी जो कि 1934 में प्रकाशित हुआ, फिर सीधे साधे चित्र इनका तीसरा व अंतिम कथा संग्रह है, कहानी संग्रह है। सीधे साधे चित्र इसमें कुल 14 कहानियां हैं। 14 कहानी याद रखिएगा, पहली में 15 थी विक्रम मोती में, दूसरे में 9 कहानियां थी उन्मादिनी में और सीधे साधे चित्र में 14 कहानियां हैं। रूपा कैलाशी नानी बियालहा कल्याणी दो साथी प्रोफेसर मित्रा दुराचारी व मंगला 8 कहानियां हैं जिसकी नारी प्रधान कथा वस्तु है। और इसके अलावा हींग वाला राही तांगे वाला व गुलाब सिंह कहानियां राष्ट्रीय विषयों पर आधारित हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कुल 46 कहानियां लिखी हैं और अपनी व्यापक कथा दृष्टि से वे अति लोकप्रिय व कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हुई हैं। कृतियां और देखें, जैसा कि आप जानते हैं विक्रम मोती उन्मादिनी सीधे साधे चित्र। विक्रम मोती का प्रकाशन वर्ष है 1932 विक्रम मोती 1932 विक्रम मोती उन्मादिनी 1934 और सीधे साधे चित्र 1947। सीधे साधे चित्र पहले भी प्रकाशित हुआ था, फिर 1983 में फिर से प्रकाशन हुआ था, जो असंकलित उनकी कहानियां थी उनको मिला के फिर से प्रकाशित किया था। कविता संग्रह पर बात करें तो मुकुल त्रिधारा और मुकुल तथा अन्य कविताएं 3 कविताएं कविता संग्रह थे। बाल साहित्य में झांसी की रानी कदम का पेड़ और सभा का खेल और इनके ऊपर जीवनी, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है, मिला तेज से तेज। झांसी की रानी और वीरों का कैसा हो बसंत और जलियांवाला बाग में बसंत, ये हमारे MPPSC में इनकी कविताएं हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। तो चलिए अब हम इनकी कविताओं पर बात करते हैं और पहली कविता वीरों का कैसा हो बसंत पर आगे बढ़ते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमाचल से पुकार है उदधिक रजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। पहला बंद है ये, इस पर बात करें कि हिमाचल पुकार रहा है, बादल बार बार गरज रहा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण समेत सारी दिशाएं यही प्रश्न कर रही हैं कि वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए, वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। अगला बंद है फूली सरसों ने दिया रंग, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, बधु बसदा पुलकित अंग अंग, हैं वीर वेश में किंतु गंत कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। फूली सरसों अर्थात लहलहाते पीले
जो सरसों फूल जाती है, जब पूरा खेत बिल्कुल पूरा पीला वस्त्र धारण करे हुए धरा दिखाई देती है, उस समय लहलहाती फसलों ने जो वीरों के जीवन में रंग भरते हैं, जो वीरों का वीर उनको देखकर खुश होते हैं कि यह हमारी मातृभूमि कितनी अच्छी फसलें पैदा कर रही है जिससे हमारे देश का भला होगा, फूली सरसों ने दिया रंग, लहलहाती फसलों ने वीरों के जीवन में रंग भर दिया है, आसमान मानो पुष्प रस लेकर आया है, वसंत अनंग आसमान, वसंत के रंगों से दुल्हन बनी धरती का अंग अंग पुलकित यानी प्रसन्न हो रहा है, परंतु उसका कंत कंत मतलब या तो पति होता है या तो प्रिय होता है या प्रेमी होता है, परंतु उसका कंत उसका पति जो है वीर की वेशभूषा में है यानी युद्ध के लिए तैयार खड़ा है, और फिर यही प्रश्न खड़ा हो जा रहा है कि वीरों का कैसा हो वसंत। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कवयित्री कह रही हैं, अर्थात सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही हैं कि वीरों के जीवन में वसंत तभी आता है जब वे शांति से अपने अपनों के साथ खुशी मना पाते हैं, अन्यथा उनका वसंत तो युद्ध की तैयारी में ही बीत जाता है। वसंत में कोयल जो कूकती है तो युद्ध के मैदान में बाजे गाजे जो मारू है एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जो युद्ध में बजाया जाता है, बाजे गाजे नगाड़े जो होते हैं वो बज रहे हैं, वीरों के लिए रंग और रण का विधान इसी तरह का होता है। वीर जब युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो अपना आदि अंत यानी जीवन मृत्यु दोनों ही हथेली पर लेकर चलते हैं, जीत मिलेगी तो जीवन मिलेगा, पराजय मिलेगी तो मृत्यु होगी। इसी के साथ फिर से एक प्रश्न खड़ा होता है, वीरों का कैसा हो बसंत। गल बाहें हो या हो कृपाण, चल चित्तपन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो बसंत। गल बाहें हो या हो कृपाण, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित देख रही है किनको, वीरों को। कौन? हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो एक राष्ट्रीय प्रेम की कवयित्री हैं, एक तरफ वीरों को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित देख रही हैं और दूसरी ओर उनके गले में उनकी गलबाहें रखे हुए उनकी प्रिया उनकी पत्नी को देख रही हैं, उनके जो हाथों की माला लेके खड़ी हैं उनको देख रही हैं। वे दोनों को एक साथ रख कर पूछती हैं कि युद्ध पर जाने वाले वीर कृपाण चुने या प्रिया की बाहों को चुने, वे धनुष बाण संभाले या प्रिया के नैनों के बाण जो कि विलासमय जीवन प्रेम और सुख से परिपूर्ण हैं उनका चुनाव करें, या दबे कुचले लोगों की मुक्ति को चुने, उनकी मुक्ति के लिए अपने युद्ध का रास्ता अपनाएं। ये जो दलित त्राण हैं, जो गरीब जो बेचारे परेशान हैं हमारे स्वाधीनता पाने के लिए, उनको उन जो ब्रिटिश राज है उससे लड़ने के लिए तैयार खड़े हुए वीरों की बातें कर रही हैं हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी, किसका चुनाव करें यह एक प्रश्न बनता है। सबसे प्रबल और गंभीर समस्या यही है कि इनके सुख दुख के बीच में कैसे कोई वीर अपना वसंत अच्छे तरीके से मनाएगा, वह तो हमेशा यही चुनेगा कि वो अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पित हो जाए। कह दे अतीत अब मौन त्याग, कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत,
वीरों का कैसा हो बसंत। कवित्री कह रही हैं कि देशवासियों को युद्ध की सच्चाई ज्ञात हो जाए, अतः अतीत को अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए जो कह रही हैं, अतीत जो भूतकाल जो है जो चुप रह गया वो अपना मौन त्याग दे और अपना युद्ध का जो स्थिति बनी थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ले। युद्ध क्यों होते हैं, उससे किसी का भी भला नहीं होता, जीतने वाले और हारने वाले दोनों ही खाली हाथ रह जाते हैं। लंका तुझ में क्यों लगी आग, वो बताती हैं एक उदाहरण के तरह से कि पूरी लंका भी जल गई, रावण भी मर गए और किसी का भला नहीं हुआ। इस प्रश्न पर विचार करते हुए कुरुक्षेत्र को फिर से जागने के लिए कह रही हैं हमारी कवित्री, ताकि वह अनंत अनुभवों को बताकर दुनिया को अपने युद्ध के संकट से बचा सकें। युद्ध कोई रास्ता नहीं होता है, इसमें दोनों पक्षों का नुकसान होता है। और फिर वही प्रश्न उठता है कि वीरों का कैसा हो बसंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां जुलंत, वीरों का कैसा हो बसंत। युद्ध और वीरता की मिसाल बने हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के किले। दुर्ग मतलब किला होता है। सिंहगढ़ के किले जैसे स्थलों को वे आह्वान करते हैं और देश के गौरव महाराणा प्रताप, नाना साहब आदि वीरों की स्मृतियों में ज्वलंत स्मृतियों को फिर से जगा दिया जाए, ताकि देश के नौजवानों में अपने देश पर कुर्बान होने का नया जोश पैदा हो। आखिर वीरों का बसंत कैसा हो, यही प्रश्न बार बार कवियत्री कर रही हैं कि क्या युद्ध भूमि में शहीद हो जाना ही उनका बसंत है? नहीं। इसलिए कवियत्री अतीत में घटित हुए युद्ध के कड़वे सच को बताते हुए वर्तमान के नरसंहार को भी रोकना चाहती हैं। भूषण अथवा कविचंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कवियत्री दुख प्रकट करते हुए कहती हैं कि आज भूषण और चंद जैसे कवि नहीं रहे। भूषण एक बहुत प्यारे कवि हुए हैं जो रीतिकाल के समय पर वीर रस की कविताएं लिखते थे, और चंद जो कवि थे एक वो भी जिन्होंने उस समय की जनता को जागृत किया था अपनी कविताओं से। भूषण और चंद जैसे कवि नहीं हैं जो छंदों में जान डाल दें, जो छंदों में अपने कविताओं में जान डालकर लोगों के अंदर नया जोश जगा सकें। आज कवियों की कलम स्वच्छंद भी नहीं है, बल्कि अंग्रेज शासकों की गुलाम हैं। यही परेशानी वो अपनी इस बंध में बता रही हैं कवियत्री। इसलिए खुलकर अपने विचार कवि अपनी कलम से नहीं लिख पा रहे हैं, उनके विचार स्वच्छंद नहीं बचे, वे बहुत परेशान हैं, अभिव्यक्त नहीं कर पा रही। फिर हमें कौन आकर बताएगा कि वीरों का कैसा हो बसंत। अंत में यही सवाल फिर से पूछती हैं और यहीं पर एक कविता खत्म हो जाती है, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। मित्रों, आपको कैसा लगा यह ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।